वो एफिशिएंसी डिफाइन करेगा कि 20 परसेंट इनपुट इंक्रीज करनी है या 20 परसेंट इनपुट डिक्रीज करनी है या इंक्रीज करनी है यह हमारा स्पेस निकलेगा अच्छा इसी को जब चाइना में देखा गया और उन्होंने यूज किया आप भी एज बींग आंटरप्रनोर अपनी अपनी इंडस्ट्री में देखिए और आप कंसल्टेंसी फॉर्म्स बना सकते हैं कि किस कंपनी की एफिशिएंसी कमजोर है गवर्नमेंट के यूनिट्स में लगा सकते हैं कि कहां कहां गवर्नमेंट के यूनिट्स कमजोर जा रहे हैं और आपकी एफिशिएंसी कितनी रिकॉर्ड है कितनी स्पेस है अभी तो जैसे मैंने आपको बताया कि फुल ऑन रन के ऊपर अगर चले तो 20 परसेंट इंक्रीज आ रहा है या 20 परसेंट डिडक्शन की कैपेसिटी बता देता है तो पॉइंट एट का एक मीटर है जब मैकेनिज्म हम इम्पेरिकल डाटा पे नहीं लगाते तो हमें रिजल्ट नहीं मिलते तो पाकिस्तान के अंदर या बाकी दुनिया के अंदर तो आपने देख लिया यूएसए में यह पैटर्न था अब चाइना में भी यूज हो रहा है अब आगे देखिए जी नॉर्मली चाइना के अंदर जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस होती हैं तो वहां पर स्टेट ओन्ड कमर्शियल बैंक्स के ऊपर ये लगाया गया सो फॉर द स्टेट ओन्ड कमर्शियल बैंक्स जो एक्स एफिशिएंसी थी रेंज किया गया 0.35 टू 0.41 के ऊपर फॉर द प्राइवेटली ओन्ड कमर्शियल बैंक्स द रेंज वाज इज अबाउट द 0.44 टू 0.47 अब इस रेंज के अंदर जब देखा गया तो रिजल्ट्स निकले जी अब देखिए अगर यही वाले आप अपने कमर्शियल बैंक्स पे लगा दीजिए अपनी स्टेट ओन एंटरप्राइजेस पे लगा दीजिए 33 के करीब हैं मैंने बेशुमार गवर्नमेंटल जगहों के ऊपर देखा और काम किया वहां पर मैंने ये देखा कि आपकी एफिशिएंसी बड़ी दूर की बात है आपकी मैक्सिमम रेंज ऑफ एफिशिएंसी का भी पता नहीं चल रहा आप टोटल कोलैप्स पर काम करते हैं आपकी एफिशिएंसी का रूम

एस एम को कमजोर किया जाता है और जो एस एम ईज है उनको किसी किस्म का भी कोई रेवरेजिस नहीं दिए जाते इसी तरीके से आम आवाम को छोटे छोटे कर्जों के लिए भी बड़ी मुश्किल होती है और बल्कि दिए ही नहीं जाते गारंटीज का इश्यू होता है फिर स्टेट बैंक ने कुछ मैकेनिज्म बनाने की कोशिश की लेकिन अभी तक जब तक एक्स एफिशिएंसी के मॉडल्स नहीं लगेंगे या उसका जो एम्पेरिकल मैकेनिज्म नहीं लगेगा तब तक आप डिफाइन नहीं कर सकते कि आपकी एफिशिएंसी कैसे बनेगी एक बैंक्स को भी नहीं पता कि पैसा यहीं से निकलेगा क्योंकि अगर आप बड़े खानदानों को जब आप पैसा दे रहे होते हैं और बड़ी फैक्ट्रीज बड़ी इंडस्ट्रीज को आप सपोर्ट कर रहे होते हैं तो आपका ट्वेंटी रिकवर नहीं होता लेकिन बैंक पर भी खुश है अगर आप छोटों को देंगे तो ऑन टाइम ऑन डॉट होगा जिसकी एक बड़ी एग्जाम्पल अकुआत है अकुअत में नाइनटी नाइन परसेंट रेट के साथ आपको रिटर्न मिल रहा है बगैर सूद के मिलता है लेकिन आपका जो टोटल अमाउंट है जितना आपने दिया होता है कर्ज की सूरत में उतना आपको 99% वापस आ रहा है, यह भी तो स्टडी है ना जी तो अगर जब के के अंदर मैं ये बात कर रहा हूं, तो एफिशिएंसी ऊपर यहां पर भी किया जा सकता है क्यों आया इन हाई रेट नॉन परफॉर्मिंग लोन जैसे मैंने अभी डिस्कस की कि किस लिए बना वो हाई एंड लोन को काम कैसे किया गया अपग्रेडिंग ऑफ दैड लोन्स एंड दुअर मैनेजमेंट क्वालिटी इसकी एग्जाम्पल मैंने क्योंकि पाकिस्तानी बैंक के साथ दे दी आपको समझ आ गया कि स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज के अगर आप देखें यदि कार फाइनेंसिंग की एग्जाम्पल ले लें कि आप जितनी मॉडरेट कार्स को देंगे उनके पैसे आपको फौरी मिल जाएंगे या जितनी बड़ी आप का, कारीज कराएंगे उतना आपसे माजरत के तौर पर मुख्तफ आपको पेपर दिए जाएंगे गरीब आदमी मुतवस्त आदमी आपको टाइम पर पेमेंट देता है तो यार बैंक इस चीज़ से आगाह नहीं है और इसी तरीके से अगर वो इंडस्ट्री के लिए कर्जा जात लेंगे तो भी वो आपको उतने ही मिलेंगे बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज के रिसर्च बेस्ड आपका मैकेनिज्म या इम्पेरिकल डाटा लगा दिया जाए तो आपके रिजल्ट्स कितने बेहतर हो जाएंगे और कितने रिफाइंड हो जाएंगे इसकी एग्जाम्पल इस मैंने आपको स्टेट ओन इंड दे दी और प्राइवेट ओनड कमर्शियल बैंक की भी एग्ज़ाम्पल चाइना की भी दे दी तो कंपेरिटिवली हमारे पास यू भी आ गया और चाइना भी आ गया Thank you very much.